दोस्तों नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर नाइन्थ डेजर्ट एनिमल, जिसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो अपने इस प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, डेजर्ट किसको कहा जाता है, क्या डेजर्ट ओनली रेगिस्तान यानी रेत का ही होता है। और इसके बाद अपन ने रैटल स्नैक के बारे में पढ़ा कि भाई रैटल स्नैक क्या होते हैं, दुनिया में कितने प्रकार के स्नैक्स पाए जाते हैं, तो लगभग 2300 प्रजाति के स्नैक पाए जाते हैं। उसमें रैटल स्नैक बहुत खतरनाक होता है, एक बाइट से भी इंसान मर सकता है। इसके बारे में अपन ने सारी चीज़ें जानी। आज अपन डेजर्ट के किसी दूसरे जानवर के बारे में, दूसरे एनिमल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, ये आपके सामने है आज की इस चर्चा का विषय, जिसमें कि ये दिख रहा है आपको क्या होगा, क्या है भाई, वेरी गुड, मंगूस। तो देखो, मंगूसेस आर लाइक द हंट टुगेदर, लाइक टू हंट टुगेदर। जो मंगूस होते हैं वो साथ साथ चलने पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय, लेकिन ये हमेशा एक नज़र रखते हैं इनके पास में जो भी खतरनाक इनको शिकार बनाने वाले जो जीव है, या अपने लिए जो खतरनाक होने वाले जो जीव है उनके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। पॉकिंग दियर नॉइज इन टू होल्स, और अपने नाक को होल्स में, बिलों में डालते हुए, ओवरटर्निंग रॉक्स विद दियर पाउज, अपने पंजों से जो है चट्टानों को इधर उधर खिसकाते हुए, द स्क्रैचिंग द ग्राउंड, जमीन को स्क्रैच करते हुए, अपने पंजों से चीरते हुए, विद दियर शार्प क्लॉज यानी अपने तेज पंजों से। बैंडेड मंगूज आर वेरी एम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, और बैंडेड एनिमल्स जो है, बैंडेड मंगूज है, ये बहुत ही ज़्यादा एम्यूजिंग यानी आनंददायक, इंटरेस्टिंग एनिमल है देखने के लिए, देखने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका में आसानी से देखा जा सकता है, अफ्रीका के कई भागों में। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20, ये लगभग 20 मंगूज अपने ग्रुप में घूमते हैं। टू फॉरेज फॉर बीटल्स, फॉरेज का मतलब अपने शिकार को ढूंढने के लिए, जिसमें कि बीटल है, मिनी पैड्स है, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, और दूसरे छोटे मोटे जो जानवर है उनको ढूंढने के लिए ये 30-30 के झुंड में घूमते रहते हैं। दे लाइक टू हंट टूगेदर, इनको शिकार एक साथ करना पसंद है, साथ में रहना पसंद है। कीपिंग इन टच वेदर दे गो आउट टू ऑफ साइट बींग रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग और कॉलिंग, और अब ये कह रहे हैं कि भाई भले ही वो किसी साइड से एक दूसरे से दूर हो जाए, या कहीं चट्टान के पीछे या झाड़ी के पीछे जो है चले जाए, तो ये एक दूसरे को ट्वीटिंग के द्वारा यानी अपनी आवाज़ के द्वारा या पुकारने के द्वारा जो है एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और हमेशा खतरे के प्रति जो है जागरूक रहते हैं, जैसे कि हॉक है, ईगल है, एंड लार्ज स्नैक और बड़े सांप जो है, जो कि इनको शिकार बना सकते हैं, इनसे ये हमेशा सावधान रहते हैं। दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और ये एक दूसरे को एक अजीब सी घंटी बजाकर, अजीब सी सिग्नल आवाज निकाल कर जो है वो उनको चेतावनी देते हैं, अगर इनको कुछ भी संदेश पर लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो वो अपने साथियों तक सिंबल के थ्रू उनको भी आवाज पहुंचा देते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, सुरक्षित जगह ढूंढ लो। मंगूसेज आर फेमस फॉर बींग एबल टू किल स्नैक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, अभी ग्रह मंगूस जो है वो किस लिए फेमस है, सांप को मारने के लिए, अपने आप को बचा कर, बिना अपने आप को चोट पहुंचाए ये सांप को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, अब इनके जो रिएक्शन है, इनके जो हावभाव है, शरीर के जो
एक्शंस है वो इतने तेज है, इतना तीव्र है कि वो सांप के हर प्रहार को बचा सकते हैं और वो बचते रहते हैं, सांप को खिलाते रहते हैं, बचते रहते हैं, खिलाते रहते हैं ऐसे करके, एंड दे कंटिन्यूली मेक न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपने आप निरंतर उसको परेशान करते रहते हैं, न्यूसेंस जो है क्रिएट करते रहते हैं, अंटिल आफ्टर ए वाइल, जब तक कि कुछ समय बाद, व्हेन स्नेक गेट टायर्ड, सांप जब थक जाता है, दे क्विकली डाइव ऑन इट फॉर द किल, और तब वो इस पर तुरंत झपट्टा मारते हैं और उसको मार देते हैं। क्या करते हैं, सांप को पहले खिलाते हैं अच्छी तरीके से, और इसके मूवमेंट इतने फास्ट होते हैं कि सांप की बाइट की पकड़ में नहीं आ पाते, और सांप को निरंतर परेशान करते रहते हैं और अंत में थक हार कर जब सांप थक जाता है उस समय ही उस पर झपट्टा मारते हैं और उसको मार देते हैं। तो मंगूस सांप को मारने के लिए फेमस है। बिल्ली को भी आपने देखा होगा अपने यहाँ, बिल्ली भी जो है बड़ी तेज होती है, क्विक होती है। ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर किटन ऑल अबाउट द सेम टाइम, अभी कह रहा सारी फीमेल मंगूस जो है वो अपने बच्चों को लगभग एक ही समय पर जो है रखती है, एक ही जगह पर रखती है, एक ही समय पर देती है। They are raised by the whole group in the den made inside an old termite mound or a hollow log. अब ये कह रहा है ये सारी जो है अपने बच्चों को जब देती है तो एक गुफा बना लेती है, एक डैन बना लेती है, या तो कोई ओल्ड टर्माइट में पुराने जो माउंट होते हैं भिपाड़ी के अंदर जो छेद वगैरह होता है वहां पर, या फिर कोई होलो लोग यानी कि पेड़ का जो तना होता है खोखला उसके अंदर ही अपने बच्चों को देते हैं। When most of the adults are out looking for good, one or two male stay behind to stand guard until the others return for the night. और ये कह रहा जब सारे मंगूस एडल्ट मंगूस जो है वो बाहर चले जाते हैं गुड्स के लिए, सामान लाने के लिए, तो एक या दो मेल जो है वो इनके बाहर रुकते हैं और इनके गार्ड करते हैं, चौकीदारी करते हैं जब तक कि दूसरे मंगूस शाम को लौट कर नहीं आ जाते, यानी कि पहरा देने का काम करते हैं। इसके बाद देखो अगले जानवर के बारे में पढ़ते हैं कि जंगल में और कौन सा एनिमल पाया जाता है। तो another animal which lives in the desert is the camel, दूसरा जानवर जो कि जंगल में रहता है जिससे आप भली भांति परिचित है वो है आपका कैमल। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कैमल को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था यानी पालतू जानवर बना लिया गया था आज से कई हजारों सालों पहले, जब आदि मानव गुफाओं में रहता था जानवरों को जो है उसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानी कि जब पालना शुरू किया उस समय ऊंट को सबसे पहले उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, और जंगल में ये कैमल जो है लगभग ग्रुप में रहते हैं, 30 जानवर एक साथ रहते हैं लगभग। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट, और कोमल कैमल्स के जो है लंबा सा मतलब सैगी बालों वाला एक विंटर कोट होता है टू कीप वार्म, जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके, एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और समर के समय वही जो है छोटा हो जाता है जिससे कि वो ठंडे रह सकें। द थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 gallons ऑफ वाटर, और एक प्यासा ऊंट जो है वो लगभग 30 gallons पानी पी सकता है, 30 gallons तक का पानी वो पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 foot glasses, जो कि लगभग 500 glasses के बराबर होता है, इन जस्ट 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट में पी सकता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स, और अक्सर ये अपने नमी या मॉइस्चर को जो है प्राप्त करता रहता है, जब उसको जरूरत होती है तो वो जंगल के अंदर जो पौधे हैं पेड़ पौधे जो है प्लांट्स जो है उनसे, एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, और इस प्रकार से वो लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए भी
रह सकता है, यानी कि जब उसको जंगल में खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौधों की पत्तियां अगर मिल रही है तो पत्तियों के अंदर के जो मॉइस्चर है उसी से उसका काम चल जाता है और इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज, यानी रेगिस्तान में ये आसानी से रह सकता है और लोगों के आवागमन का भी बहुत बड़ा साधन हुआ करता था पुराने जमाने में। और इसके पैर भी जो है वो इस तरह से गद्देदार होते हैं कि वो जमीन के अंदर रेत में धंसते नहीं है बल्कि उसके ऊपर ही आसानी से चल सकते हैं। ये देखिए कैमल, ऐसा कैमल देखा क्या? देखो कैमल के तो आपने तो एक कुबड़ वाला कैमल देखा होगा, लेकिन इसके क्या है, देखो डबल कुबड़ है, इसको कहते हैं हम्प, ठीक है। तो देखो डबल हम्प वाला कैमल देखा क्या? नहीं देखा, आज देख लो, देख लिया, वेरी गुड। अब बढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, यानी यहाँ दो अलग अलग प्रकार के कैमल होते हैं, एक तो आपने देखा ही है, दूसरा दिखा दिया, देख लिया ना, वेरी गुड। वन नोन एज द ड्रोमेड्री, एक जो है उसको कहा जाता है ड्रोमेड्री, हैज ओनली ए सिंगल हम्प, जिसकी की एक ही कुबड़ होती है जो कि आप हमेशा देखते हो। द अदर इज कॉल्ड द बैक्ट्रियन कैमल, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज टू हम्प्स, और इसकी दो कुबड़ होती है। अब देखो कुबड़ क्यों होती है, ऊंट की कुबड़ क्या काम आती है? तो देखो द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ये हम्प जो है, कुबड़ जो है, ये एनिमल की हेल्प करती है उसको जिंदा रहने में डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए। अब कैसे हेल्प करती है? बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये उसका एक स्टोरेज कंटेनर है, यानी एक टिफिन है या एक स्टोर करने का स्टोर रूम की तरह है, जहां पर ये भोजन को स्टोर करके रख सकता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं करता है। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि कई लोग गलत इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये पानी को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर नहीं करता है ये हम्प जो है इसमें क्या स्टोर करता है, दे आर फुल ऑफ फैट, इसके अंदर जो है फैट है, वसा होती है। दिस फैट नरिशेज द कैमल, और ये फैट जो है ये वसा उसका पोषण करती है ऊंट का। कब? वैन फूड इज स्क्वेयर, जब स्क्वेयर का मतलब कमी, जब भोजन की कमी आ जाती है, जब उसको खाने को नहीं मिलते हैं, तब ये जो स्टोरेज कंटेनर है उसका जो हम्प है, जो कुबड़ है, इस कुबड़ के अंदर जो जमा हुआ फैट है वो ये फूड के रूप में ले लेता है, इसके भोजन के रूप में वो काम आता है। If they have nothing to eat for several days, और ये कह रहे हैं अगर कई दिनों तक इसको कुछ भी खाने को नहीं मिले, their humps shrinks as the fat is used up, और तब इनके हम्प जो है, इनके कुबड़ जो है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो स्टोर किया हुआ फैट है वो काम में आ जाता है, इसके भोजन के रूप में उसको पचा लिया जाता है। There are many other ways in which camels are adopted to डेजर्ट लाइफ, इसके अलावा भी कई दूसरे तरीके हैं, दूसरे तरीकों से भी कैमल जो है जिसने अपने आप को इस डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि रेगिस्तान में आसानी से सर्वाइवल कर सकता है। देयर माउथ्स आर सो टफ, अब इसका मुंह जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पायरियस थ्रू, यहाँ तक कि मतलब बहुत तीखा जो कांटा होता है वो भी उसको पार नहीं कर पाता, इसलिए ये जंगल में, ये सॉरी डेजर्ट में आसानी से जी सकता है, अपना गुजारा चला सकता है। तो ये सारी चैप्टर्स अपन ने पढ़ लिया पूरा, जो कि किसके बारे में था, डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, और इसमें डेजर्ट एनिमल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक दो रैटल स्नैक के बारे में पढ़ा, रैटल स्नैक के बारे में पढ़ा ना, क्या होता है रैटल स्नैक, देखा, देख लो वापस दिखा देता हूँ, ये देखो रैटल स्नैक आ गया है। रैटल स्नैक के बारे में पढ़ने के बाद हमने मंगूस के बारे में पढ़ा, मंगूस किस लिए फेमस है, सांप को मारने के लिए फेमस है, और इसके बाद हमने अगला कैमल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है, और उनके लिए क्या क्या वो खाने में क्या लेते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं, किस तरीके से वो जंगल में रह पाते हैं, इसके ऊपर आप जो है और ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।